हमने सीमा हैदर के तो बहुत ज्यादा अभी सुन लिए हैं बातें, लेकिन आज हम उनका जो हस्बैंड एक्स हस्बैंड है ना उनके साथ उनका इंटरव्यू देखेंगे। मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। प्लीज वीडियो के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा एक चैनल जाके सब्सक्राइब कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं आज पूरे चैनल। सीमा जी एक छोटे से सवाल का जवाब आप और दीजिए, सचिन से आपको मोहब्बत हुई समझ में आता है, सीमा जी सचिन से आपको मोहब्बत हुई और उसके बाद आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन आपको क्या हिंदुस्तान से भी उतनी ही मोहब्बत है और अपने मुल्क पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल है, ऐसा नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान से नफरत है, पर मुझे अब हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है और यहाँ के धर्म से भी। क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोल के वहाँ के दूसरे लोगों को दुख नहीं दूंगी, हैदर के लिए कि हैदर के कारण मैं दूसरे लोगों को गलत बोलूं ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। तो बाकी मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ सचिन के लिए, सचिन मेरी जान है और मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, आपकी जो जान है आ चुकी हूँ और ये मुझे पाकिस्तानी मतलब सचिन उनसे एक सवाल उनसे भी हम पूछना चाह रहे हैं। सचिन आपको क्या पसंद है सीमा के बारे में, और जब आपने पहली दफा मुलाकात की, क्योंकि आपकी मुलाकात डिजिटल हुई ऑनलाइन एक ऑनलाइन गेम के माध्यम, तो आप क्या सोचते हैं? आप ये पूरी चीज़ें सुन रहे थे, आप तब से हैदर साहब का भी कम्युनिकेशन सुन रहे थे, आप क्या कहें? सचिन जी पहली बात तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ हैदर भाई से, हाथ हैदर से जी। कि हैदर से ये रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ रहने दें और हम यहाँ खुश रहें, खुश हैं दोनों। नहीं तो सचिन आपने सीमा को ये सलाह नहीं दी कि अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में आना चाहती हो तो फिर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो वहाँ के कानून का पालन करते हुए और उसके बाद कानूनी तौर पर आप हिंदुस्तान आ जाओ, ये आपने सलाह नहीं दी थी क्या? सर दी थी, वहाँ जी कानून नहीं चलता था, ये कहती थी कि कानून नहीं चलता और इसने डिवोर्स भी दिया था इसे कई बार उस पर, तो कई बार इसने डिवोर्स दिया था तो ऐसे ही लड़ाई ज़्यादा झगड़ा होता था, तो इस क्या कहते हैं और वो क्या कहते हैं सीमा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ ये बताती थी जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप क्या अवैध रास्ता अपनाती तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? इस तरह से लड़कर अपने पति से आप आई कि ये इल्ज़ाम आप लगा रही हैं कि आपने ये इलीगल तौर पर आप हिंदुस्तान में दाखिल हुई, फिर जेल भी गई, फिर आपको जमानत भी मिली, तो अगर लीगली आ जाती तो बेहतर होता सब कुछ बताकर? कैसे आने देते, मुझे टुकड़े कर देते वो वहीं पर। अगर इनको बताती मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इनको अगर बताती तो आपको लगता है हैदर का परिवार, हैदर पहले तो अपने बाप को बुलाता है मेरे पास मेरे टुकड़े करवाने के लिए। हमारे यहाँ काला काली का रवाज है, पूछो इनसे कि नहीं है। काला काली मतलब क्या होता है, किसी को पसंद करेगा लड़की की कोई तो उसे कत्ल कर देते हैं काली करके, क्या नहीं है इनमें रवाज? अगर मैं इनको बताती मैं किसी और को पसंद करती हूँ मुझे कानूनी तलाक दो, तो ये मुझे पहले काली करके मार देते और कानून पूछता कहते काली थी हमने मार। हैदर साहब यही तो मैंने आपसे पूछा था ना, सीमा बार बार कह रही है कि अगर वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती भी हैं, वापसी करती भी हैं, तो उनका कत्ल कर दिया जाएगा। जी उन्हें डर है, बिल्कुल किया जाएगा। मैं हैदर गवाह है, मैं शोर इतना हूं, मैं इतने प्यार करता हूं, कौन कत्ल करेगा, कौन कत्ल कौन करेगा, एक आरिफ मैं हूं, कौन कत्ल करेगा? बस प्यार करते हो, मैं आखिरी बात करके बात खत्म करूंगी। अगर सच में मुझसे हैदर प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं, तो हमें यहाँ रहने दें, मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं सीमा जी, सीमा जी लेकिन आपके पास भी एक बहुत बड़ा मौका है कि गुलाम हैदर आपके साथ मौजूद हैं, आपने एक रिक्वेस्ट की, फिलहाल वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं मैं नहीं मान सकता, अब आप क्या कहना चाहेंगी? अगर मानेंगे, ये नहीं मानेंगे सर, क्योंकि ये अपने पढ़ाई पे चल रहे हैं, इनके पापा वाले इनको पढ़ा रहे हैं कि कानूनी रास्ता अपनाएंगे, शादी करेंगे, यही हथियार है कि मुझे बिल्कुल अपनाऊंगी, मैं यहाँ कानूनी शादी करूंगी और अगर कानून यहाँ से इनको, मैं यहाँ से डिवोर्स भी भेजूंगी और बता, अगर ये कानूनी डिवोर्स चाहते हैं तो मैं इनको यहाँ से डिवोर्स भेजूंगी, इससे ज़्यादा कुछ है, क्योंकि हिंदू धर्म में आ गई हमारा तलाक तो ऑटोमेटिक हो गया खुद, ये मुझे हमारे खत्म हो गए रिश्ते, ये पाकिस्तानी एक लाए आए थे, उन्होंने भी कहा अगर आप हिंदू धर्म में आ चुकी हो, इस्लाम छोड़ चुकी हो, तो आप हैदर पति नहीं है। सीमा जी
अगर आपके शोहर नहीं मानेंगे कि हम तलाक नहीं देना चाहते आपको, आप फिर क्या करेंगे? आप क्या सिर्फ हैदर की चलेगी ना, क्या सिर्फ हैदर की चलेगी? मेरी औरत की कोई इज्जत नहीं? क्या भारत में भी ऐसे चलता है जैसे पाकिस्तान में चलता है? जो करेगा आदमी करेगा, औरत की कोई इज्जत नहीं? ये पूरी इज्जत है। लेकिन क्या आपको ये बात गवारा करती है सीमा जी कि बिना पहले शौहर से तलाक लिए आप किसी दूसरे रिश्ते में बंधे? क्या ये बात आपको ज़हनी तौर पर गवारा करती है? मैं ज़हनी तौर पे पुरसकून हूँ, मुझे बिलीव है, मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पति नहीं है। अच्छा, मुझे पता है, मैं अपने मन से, मेरा ज़मीर मुझे गवारा करता है, क्योंकि मैं मुझे पता है कि ये मेरे पति नहीं है। मेरे पति सचिन है, हमने एक बार शादी करी, दूसरी बार कानूनी भी शादी करेंगे, और हैदर को भी बता रही हूँ, अगर हमसे प्यार करते हैं, मेरे बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो हमारे प्लीज़ हमारे डर भी है सीमा जी, ठीक है? अब इस फैसले के बाद आपको कोई डर भी है? मुझे हैदर जी 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 बोलिए, मुझे इंडिया में बहुत सुकून और सेफ फील कर रही हूँ। मुझे पाकिस्तान में जाऊँगी तो मुझे बहुत बड़ा खतरा भी है, और मैं मरूंगी भी तो यहाँ मरूंगी, मैं वापस तो वो सऊदी अरब क्यों है? आपके शौहर रिक्वेस्ट है, ये बकवास करना छोड़ दे। आपके शौहर सऊदी अरब क्यों है, पाकिस्तान में क्यों नहीं? पूछने जब साथ में है तो कमा, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, तो आए क्यों नहीं? जब तीन महीने से मैं, सुने सर, जब तीन महीने से मैं यहाँ हूँ तो ये सऊदी अरब में बैठ के क्या कर रहे हैं? चलो बच्चे तो इनके चले आए, तीन महीने से मैं यहाँ हूँ तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए? वाकई ये बात भी है कि अगर तीन महीने से वो यहाँ पे हैं तो फिर ये सऊदी अरब में क्यों है ना? अभी काफी ज्यादा ये वाला मामला ना, कोशिश नहीं, गर्म शिद्दत तैयार कर रहा है भाई, के क्योंकि दोनों तरफ से, अभी जब दलाइल आप सुने, एक तरफ से आपको पता है गवाहियां सुनने से यकीन नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ से बातें सुननी चाहिए, फिर आपको फैसला करना चाहिए कि यार क्या बात है, असल है उनके पति कुछ कहते हैं, ये फिर अपना बयान रखती है, वो अपना रखती है, तो बोले हैं कि मतलब अगर वो पाकिस्तान जाएंगी तो वो उनको मार देंगे, उनके जो फादर है ना, मतलब आपको पता है कि यहाँ के विलेज वगैरह में ना ये वैसे भी अभी भी चलता है कि जो लड़की अगर प्यार करेगी या फिर इस तरह से करेगी तो उसको मार दिया जाएगा, तो लोग बहुत ज़्यादा, मैंने हमारे मतलब जहाँ पे विलेज है वहाँ पे ऐसे वाकयात होते हैं, वहाँ पे कई दफ़ा मैंने सुना हुआ है, तो ये सिंध के जो एरिया वहाँ पे तो ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा वाकयात हैं। और ये वैसे हैदर तो यही कह रहे थे इस वीडियो में कि मैं तो बड़ा उनसे प्यार करता हूँ, इसी माँ से लग रहा था कि नाटक कर रहे हैं, कि मैं नाटक करके इनको बुला लूँगा, ऐसे लोग करते हैं। अगर आपको किसी को जाल में फंसाना हो ना तो उसको यही बोलोगे यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो बस अभी तुम आ जाओ, फिर वो उसने दिमाग में पहले प्लानिंग की होती है कि यार ये आएगा बंदा फिर इसका इलाज किया जाएगा, तो अभी वो उनका इलाज करने के लिए उनको बुला रहे हैं पाकिस्तान वापस, ताकि इनको बुला के तो मार दिया जाए, और बाद में क्योंकि आपको पता है विलेज वगैरह में जब इस तरह की बातें फैल रहे थे तो लोग इज्जत करना भूल रहे हैं, तुम्हारी बीवी ऐसे है वैसे है, तो उसको ख़त्म करो बुला के, तो ये अभी चाल है ऐसी, तो इंडिया से तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उनको नेशनैलिटी वहाँ की दे दी जाए, तो वहाँ पर वो खुश और शांति से रहें, ना कि वो छोड़ के ये कंट्री चले जाए। तो वैसे वो कह रही हैं कि आखिर में उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर इन्हें इतना प्यार था तो तीन मंथ से मैं यहाँ तब क्यों नहीं कोई इन्होंने सर्च करने की कोशिश की कि मैं चलो तलाशी करूँ कि मेरी बीवी कहाँ पे है, कोई रिपोर्ट कोई कुछ भी ऐसा नहीं किया वहाँ पे, वो तो सोचे होंगे शुक्र रब्बा जान छुट्टी से, तो यार ये आपने इंटरव्यू देखा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और गर्म जोशी वाला था, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है।